हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार, कोई एक समतल जमीन है जिस पर एक मीनार खड़ी हुई है जिसकी जो छाया है, छाया मतलब शैडो जो परछाई है उसकी, वो 40 मीटर ज़्यादा लंबी है हो जाती है, जबकि सूर्य का 60 से बदल कर 30 हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें सबसे पहले फिगर बनाना होता है, क्योंकि हम फिगर अगर बनाने हमें आ गया तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम फिगर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसी के अकॉर्डिंग फिगर बनेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक मीनार है। अब देखिए, कोई माना एक यहाँ पे एक मीनार है, हम एक मान लेते हैं कि ये क्या है, समतल लपड़, और ये एक मीनार है जिसकी परछाई जो है वो कितना बना रही है, यहाँ पे कह रहा है 40 मीटर ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब देखिए, पहले यहाँ पे कुछ शायद यक्ष मान लेते कि यक्ष उसकी परछाई थी, शैडो उसका था, लेकिन फिर कह रहा है कि 40 मीटर ज़्यादा हो जाती है यहाँ से, फिर वो कितना हो गई, फिर 40 मीटर वो इस यहाँ से ज़्यादा हो गई, तो मानते हैं कि यहाँ पे उसकी परछाई यहाँ तक आ गई। और यहाँ से जो उन्नयन कोण है वो कितना है, यहाँ से जो है वो 30 अंश है, और जबकि ये जो पहला वाला है वो कितना है, 60 अंश। हमें उसकी ऊंचाई नहीं मालूम है मीनार की, यही हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें ज्ञात क्या है, अगर हम इसे यक्ष मानते हैं और इसे यक्ष मानते हैं तो हम 10 थीटा की वैल्यू पुट करें तो क्या वैल्यू प्राप्त होगी। 10 बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से आप जानते हैं, 10 थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब क्या हो जाएगा, यच, और आधार क्या होगा, यक्स। इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू हम ज्ञात करके फिर इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम यक्स की वैल्यू ज्ञात किए हैं, यच अपान √3 आया है, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए, हम ये त्रिभुज लेते हैं, ये बड़ा वाला, तो बड़ा वाला त्रिभुज हम लेंगे तो ए बी सी। अब देखिए, इसमें अगर हम 10-30 अंश की वैल्यू पुट करें तो 10-30 बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब जो है तो यच, और नीचे जो आएगा आधार, ये टोटल आधार है, तो आधार में कितना है, ये 40 और ये यक्स है, तो हम दोनों लिखेंगे 40 प्लस यक्स। अब हम यहाँ यक्स की वैल्यू पुट करेंगे और 10-30 अंश का 1/√3 यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसे सॉल्व करने पे हमें ये प्राप्त होता है, अगर हम यहाँ से आपसे यच की वैल्यू पूछे तो आप कितना बताएंगे, 20 करीम 3 बताएंगे, यही यच का मान आपको ज्ञात होगा। अब यहाँ पे अगर चाहें आप तो इसे √3 का जो मान होता है 1.732 रख के गुणा करा के आप सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जो हमें यच की ऊँचाई पूछी थी यहाँ पर, वो हमारा निकल गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम लिए हैं 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि मीनार के आधार से, कोई मीनार है, जैसे यहाँ पर एक मीनार था ना में, वैसे इसमें कह रहा है कि कोई एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये आपको बताना है। अब देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसका हम फिगर बनाएंगे। यहाँ पे फिगर में हम देखते हैं कि एक 4 मीटर की दूरी बोला था बिंदु, तथा दूसरा जो बिंदु था पी, वो 9 मीटर की दूरी पर है। अब पूरक कोटिपूरक कोण था, कोटिपूरक कोण क्या होता है कि एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा 90 - थीटा होगा। यहाँ पे कुछ हम लिखे हुए हैं इसी के बारे में, जो फिगर हमने बनाए हैं। देखिए, माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई यच है। ए बी हमारा क्या है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं कि वो कितना है, यच है। मीनार के आधार बी के दोनों ओर बी से क्रम से 9 मीटर, यह बी बिंदु है, इससे क्रम से 9 मीटर, 9 मीटर थोड़ा ज़्यादा होगा 4 से, और इधर 4 मीटर क्यों बिंदु स्थित है। यदि बिंदु P से मीनार की चोटी का उन्नयन को थीटा, तथा Q से मीनार की चोटी का उन्नयन को 90 - थीटा है, अर्थात कोटिपूरक कोण होगा। अब देखिए, हमें वैल्यू क्या फाइंड करने के लिए कहा है कि हमें ये ज्ञात करना है कि जो उसकी ऊंचाई है वो 6 मीटर होनी चाहिए। ट्रायंगल लेंगे ए पी बी में, तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधा, ये चपा 9 हो जाएगा। ऐसे ही हम इसको लेंगे 10 ट्रायंगल ए बी क्यू में, तो ए बी क्यू में हमें 10 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू आई है यच अपॉन 4, ये आ गया, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को हम गुणा कराते हैं, जब हम 10 थीटा × cot थीटा करेंगे तो ये वैल्यू कट जाएगी, क्योंकि 1/10 थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। इसे सॉल्व करने पे हमें यच की वैल्यू 6 प्राप्त हो गई, जो हमसे कहा गया था क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि जो मीनार की ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है। वो हमारा मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर आ गया।
थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अब क्वेश्चन नंबर 6, 8 एंड 9 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।